We thank you. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Father God. We glorify you, Father God. You are the wonderful God for us. You are the wonderful God for us. O raba khaba barakata na kaseke bebere kete na kana marasi antu kambara kasi anturo. Raba barakata na kana mohota na kala hasi ya kambara kasi antura. Ate na kana maroko bahaba barakata na kaseke bi antu kambara kasi antura. Dhanyavad ho Yeshua. Dhanyavad ho Yeshua. Dhanyavad ho Yeshua Masiha. Tujhe dhanyavad ho Parmeshwar Pita. Tujhe dhanyavad ho Abba Parmeshwar. तुझे धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता यहोवा परमेश्वर। ओ यहोवा येरे, यहोवा शालोम, यहोवा सित्केनियो, यहोवा मिकादेश केम, यहोवा राफा, यहोवा रोफेका, यहोवा रोही, तुझे धन्यवाद। एल एलोहे, एल शदाय, तुझे धन्यवाद। एल एलोहिम, तुझे धन्यवाद। ओ यहोवा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। यहोवा सित्केनियो, तुझे धन्यवाद। यहोवा जायरा, तुझे धन्यवाद। ओ सेके बिरखाता नखा, सेके बिरखाता नखा, सहा रिबिन तखा, शिखे बिरखाता नखा, सियांतुरा। महापराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद तुझे। ओ युद्ध करने में पराक्रम दिखाने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। चमत्कार करने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा का वर्षाव करने का प्रॉमिस देने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। ओ रिखा बता नखा, लहाता नखा, सेके बिरखते नखा, सियांतुरा। अंधकार को प्रकाश से अलग करने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। आकाश को पृथ्वी से अलग रखने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। ओ जीसस, ओ शेखे बेरे खता नखा सियांतुका। मृत्यु को जीवन से अलग रखने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। ओ परमेश्वर धन्यवाद, ओ परमेश्वर धन्यवाद, ओ परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। मूसा को अग्नि में से दर्शन देने वाले परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। हो परमेश्वर, इसराइल में अपनी परमेश्वर पहचान रखने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। धन्यवाद, इज़राइलों का परमेश्वर है तू। ओ यहोवा, तू इज़राइलों का परमेश्वर है, और यहोवा परमेश्वर तो इज़राइल के अंदर निवास कर रहा है, ऐसा तू परमेश्वर है। ओ तू दाऊद को परमेश्वर, तू दाऊद के घराने में निवास करने वाला परमेश्वर, तू दाऊद की राजगद्दी को भरने वाला परमेश्वर। ओ तू परम पवित्र परमेश्वर, ओ यहोवा तेरा नाम है खुदा, यहवे तेरा नाम है। ओ यहोवा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। धन्यवाद आब्बा पिता कहने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। यीशु मसीह को मेमना बनाकर, बलिदान का मेमना बनाकर भेजने वाला परमेश्वर यहोवा, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद कि तूने योजना बनाया खुदा, और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर खुदा तूने मनुष्य जाति के पाप को हरण कर दिया। और रिबा खाला रहस्य है, खबर रखा सियांत खबर रखा सियांतरा, अत्य ने कन्न मर रखो तना खा सियांत खबर रखो सियांतुरा। तूने परमेश्वर पिता मनुष्य जाति से मेल करने का रास्ता बनाया। और रिखा तना खा से खेबर रखे ते ना खा सियांत खबर रखा सियांतुरो। ओ तेरे मार्ग अद्भुत है परमेश्वर, तेरे मार्ग समझ के बाहर है खुदा परमेश्वर। केवल तेरा आत्मा ही परमेश्वर हमको तेरा ज्ञान सिखा सकता है खुदा। ओ तेरा आत्मा केवल परमेश्वर हमको परमेश्वर तेरी बातों को परमेश्वर हमारी बुद्धि में ला सकता है खुदा। ओ केवल तेरा आत्मा परमेश्वर वो तेरे बारे में हमारे से बात कर सकता है खुदा, तेरी योजनाओं को हमको समझा सकता है खुदा। नहीं तो परमेश्वर मनुष्य की काबिलियत से पिता तू बहुत ही परमेश्वर ऊंचे स्थान पर है। ओ मेरे परमेश्वर, जैसा आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना पिता तूने पिता जो परमेश्वर गैप रखा है, ओ मेरे परमेश्वर उतना डिस्टेंस परमेश्वर पिता तेरे और हमारे सोचों में तूने रखा है खुदा परमेश्वर। हम तेरे कल्पनाओं से बहुत ही अलग परमेश्वर, हम तेरे सोचों से भी बहुत ही अलग है खुदा परमेश्वर। मेरे आबा पिता, हम कभी भी पिता उस ऊंचाई को छू नहीं सकते है तेरे आत्मा के अलावा परमेश्वर। केवल तेरा आत्मा है जो तेरी ऊंचाई तक हमको लेकर आता है खुदा। ओ तेरा आत्मा है यीशु मसीहा जो हमको उस ऊंचाई तक लेकर आता है। ओ रिबा खता ना खसे खबर रे खता ना कसी अंतु खंबरा कसी अंतुरा। ओ मनुष्य की बुद्धि ज्ञान समझ लिमिटेड है खुदा, खुदा वो मर्यादा के अंदर है परमेश्वर, वो एक परमेश्वर पिता एक मर्यादा के चौखट में है खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, उसके परे जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकता है आबा परमेश्वर, वो कुछ भी नहीं देख सकता है, कुछ भी नहीं सोच सकता है
खुदा, केवल तेरा आत्मा है जो परमेश्वर पिता हमको उस मर्यादा से अलग करता है और परमेश्वर के साथ हमको जोड़ता है। ओ री खाता नखा सिखे बुरखो तो नखा सियान तुको बुरखो सियान तेरा। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा हमारे अंदर जोड़ता है, वो तेरे साथ हमको जोड़ता है परमेश्वर। यीशु मसीह हमको तेरे साथ जोड़ता है यीशु मसीहा। ओ यीशु मसीहा, तू हमको परम परमेश्वर पिता से जोड़ता है। रीबा खल्ला रासिया खबर रखो सियान तुखा ओ ताना खा नमर रखा तिना खा नम हो शेह कियान रखा सियान तुरा। तुझे परमेश्वर ने धर्म मय दहिना हाथ का है यीशु मसीहा, और तू हमें परमेश्वर से जोड़ता है जो परमेश्वर का धर्म मय दहिना हाथ है तू यीशु मसीहा। तू हमको उसके हाथ से जोड़ता है, तू हमको उसके साथ जोड़ता है यीशु, और भले भले काम हमारे जीवन में तू प्रकट करता है पिता। और री खबर रखा ताना खा सिया खबर रखो सियान तुखा, तेरे तक पहुंचने का मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीहा है। और री खाता ना खा सियान तुखा अंबर रखा ताना खा सियान तखा आदे ने का नंबर रखा सियान तुखो खाता ना खा सियान तुखा अंबर रखा सियान तुर्रा। ओम परमेश्वर, जो जीवन बनाता है, जो जीवन देता है, जो जीवन की सृष्टि करता है, वो जीवन का निर्माण करता है, वो जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो जीवन को फुलाने वाला फुलाने वाला परमेश्वर, वो जीवन को हरियाली सा बनाने वाला परमेश्वर, वो जीवन को एक हरे हरे चरनियों में लेकर जाने वाला परमेश्वर, वो जीवन को पिता परमेश्वर ठंडे पानी के झरने दिखाने वाला परमेश्वर, वो जीवन जो पिता परमेश्वर हमको तूने दिया है, वो अद्भुत जीवन, वो अद्भुत जीवन तूने बनाया है खुदा। ओ तूने अनंत काल का जीवन बनाया है यीशु। ओ रबा खासियां तू खबर रखा सियां तुरा, यीशु मसीह को तूने अनंत काल का जीवन बनाया है परमेश्वर पिता। ओ पिता, तूने यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल के जीवन में पहुंचने का मार्ग सत्य जीवन बनाया है। और रिखा ताना खा सिखे बिर रखा ताना खा बर रखा सिया खबर रखा सियान तुरा। ओ परमेश्वर पिता, केवल ये तेरा आत्मा ही कर सकता है खुदा, कि हमने वो मार्ग को स्वीकार लिया है खुदा। केवल ये तेरा आत्मा का चमत्कार हमने देखा है परमेश्वर, तेरे आत्मा का ये पराक्रम देखा है खुदा, कि कैसे हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लिया। ये परमेश्वर तेरा एक अद्भुत चमत्कार है खुदा परमेश्वर, ये अद्भुत अद्भुत ऐसा मार्ग सत्य जीवन हमने अपने जिंदगी में पाया है खुदा। ओ मेरे यीशु मसीहा, तुझे धन्यवाद, हमारे हृदयों में आने के लिए तुझे धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलने के लिए तुझे धन्यवाद, हमारे हृदयों को बदलने के लिए तुझे धन्यवाद पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा तेरे सामने परमेश्वर झुक गया है खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते, हमने वो सारे काम छोड़ दिए खुदा, जो परमेश्वर को निंदा करते थे, जो परमेश्वर को घृणा करते थे, जो परमेश्वर के अगुवाई को तुच्छ जानते थे, और जो परमेश्वर के वचन के विरोध चलना मानते थे। मेरे यीशु मसीहा, तूने वो सब कुछ हमसे अलग कर दिया, वो अधर्म हमारे से अलग कर दिया खुदा, वो अधर्म खुदा हमारे जीवन में से तूने हटा दिया, वो अधर्म हटाने का इतना बड़ा पिता तूने महान काम किया है परमेश्वर, जो पृथ्वी के ऊपर संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता था खुदा। तूने अधर्म को हमसे अलग कर दिया। और रिखा बरा कुरा मेरे परमेश्वर, यूहन्ना के पिता सुसमाचार में लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय के 19-20-21 वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर, जो अंधेरे से प्रेम करता है वो प्रकाश के पास कभी नहीं आता है, क्योंकि वो अंधेरे के काम को खुलता हुआ देखना नहीं चाहता है, उसके जो पिता अधर्म के काम है खोलते हुए नहीं देखना चाहता है। ओ मेरे परमेश्वर, वो अंधेरा है खुदा, वो प्रकाश से दूर भागता है, वो प्रकाश को पिता अपने नजदीक आने नहीं देता है खुदा। ओ पिता, कितना घिनौना है परमेश्वर वो अंधेरा। ओ मेरे आबा परमेश्वर, वो शर्म से हमको झुकाने वाला अंधेरा, ओ मेरे खुदा परमेश्वर, हमको तेरे से दूर रखने वाला अंधेरा। ओ रबा खाता ना खा सेखे बिर्रा खाता ना खा सियान तु का बर्रा सियान तुरा। ओ मेरे यीशु मसीहा, ओ मेरे अब्बा परमेश्वर, वो अंधेरा खुदा परमेश्वर, ओ हम लेके चल रहे थे खुदा परमेश्वर, वो अंधेरा लेके हम चल रहे थे खुदा परमेश्वर, हम अपने आप को छुपा छुपा के चलाते थे खुदा परमेश्वर, वो पाप की बातों को परमेश्वर हमने बंद करके रखे थे खुदा। खुदा आज परमेश्वर ऐसा तूने एक अच्छा प्रकाश लाया खुदा, कि हमने वो प्रकाश के सामने हमारे अंधेरे को खुलते हुए पा लिया खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर, अब तेरा वचन
वचन खुदा हमारे कर्तृत्वों को पिता सामना करता है, तेरा वचन हमारे सारे कार्यों को पिता सामना करता है, और मेरे यीशु मसीहा वो सामना होते ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो अंधेरे को हटाता जाता है। आबा परमेश्वर हमारे कार्य तेरे प्रकाश के अंदर है खुदा, हम तेरे प्रकाश के सम्मुख सब कार्य किए हैं खुदा, खुदा सब कुछ तेरे सामने रख चुके हैं खुदा। ओ मेरे परमेश्वर तेरी दया अपरंपार है खुदा, तेरी दया अपरंपार है यीशु मसीहा, जो वचन ने बोला खुदा परमेश्वर ये नहीं करना है, और तूने परमेश्वर तेरे आत्मा को हमारे पास भेज दिया हमारी सहायता करने के लिए, और परमेश्वर हमने वो अधर्म जो वचन हमको बता रहा था कि अधर्म है ये नहीं करना है, ओ मेरे परमेश्वर तेरे आत्मा ने वो अधर्म को हमारे अंदर से बंद कर दिया खुदा। मेरे यीशु मसीहा ऐसे कितने सारे पाप परमेश्वर जो पिता अधर्म तुझे निंदा करने के लिए था, तेरा नाम तुच्छ करने के लिए था खुदा परमेश्वर, तूने हमारे से अलग करवा दिया खुदा। खुदा परमेश्वर तूने प्रकाश के और धर्म के काम हमारे अंदर बढ़ा दिए खुदा, तूने विश्वास योग्य बनाया हमको, तूने तेरे पीछे चलना सिखाया हमको, तेरा सीधा मन हमको दिया खुदा। ओ मेरे परमेश्वर तेरी नम्रता दी हमको, तूने हमको वचन दिखा दिखा कर खुदा मार्गदर्शन किया परमेश्वर, हमको मार्ग चलाया परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ रीबा खाला रहसिया खा रदंत की अंबर रखो शेखे बिर रखे तीन खा सियान तु कंबर रखा सियान तुरा रदा नखा लहाता नखा शेखे बिर रखे तीन खा न महो सियान तुरा। आबा परमेश्वर तेरा वचन हमेशा हमारी सहायता करता आया है, तूने परमेश्वर प्रोवर्ब्स में लिखा है परमेश्वर पिता, तू अपने हृदय की गहराई से पूरी तरह से पूरी मेहनत से तू अपने हृदय की रक्षा कर। ओ मेरे परमेश्वर पिता ये रक्षा करना खुदा परमेश्वर, क्योंकि उसके अंदर से जीवन के सारे स्रोत निकलते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ एक वचन पिता हमारे जीवन के लिए पिता तूने दिया है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, कि तूने कहा है जीभ के अंदर मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य रखा हुआ है। ओ मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो जुबान बोलेगी वही फसल खाएगा, और रबा खा से खेबर रखा था ना खा सियान तु खम्बर रखा सियान तुरा रबे ने खा लहा सियान तु खा। याकूब के पत्री में लिखा है परमेश्वर जुबान एक ऐसी चीज है खुदा जो पूरे जंगल को आग लगा सकती है, और रिखाता ना खा से खेबर रखा था ना खा सियान तु खम्बर रखा सियान तुरा। ओ मेरे परमेश्वर याकूब की पत्री में लिखा है खुदा परमेश्वर कौन इस जुबान को पिता नियंत्रित कर सकता है, वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। आबा परमेश्वर ये एक पिता असाधारण सा बात तूने कह दिया है परमेश्वर, जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को दूषित करता है, और जो पेट में जाता है वो तो शौच से निकल जाता है। ये बहुत ही असाधारण सा परमेश्वर तेरा ये टीचिंग है खुदा, अद्भुत टीचिंग है परमेश्वर पिता, ये तेरा अद्भुत शिक्षण है यीशु मसीहा, ये तेरा और रबा खाता ना खा सी खबर खाता ना खा सी आन तु खम्बर्रा। तूने कहा है यूहन्ना में परमेश्वर पिता कि जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल देगी, और वो अपने अपने समय समय में अच्छा फल देगी, और वो फल बना रहेगा, और रबा खाता ना खा सी खबर खाता ना खा सी आन तु खम्बर्रा। हालेलुया फादर गॉड, तूने कहा है परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है कि तू अपने विश्वास को दृढ़ करके रख, वो पकड़ के रख, वो सारी अच्छी बातें जो तुझे मिली है यीशु मसीह के आगमन तक उसे पकड़ के रखना। और रता न खा लहाता न खा सेखे बिर रखता न खा सियान तुखा तीना मरा खाता न खा सेखे बिर रखते न खा सियान तुरा। भले काम करते करते तू थक न जाना, क्योंकि उचित समय में उसका रिवॉर्ड तुझे मिलेगा, उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। रबा खाता न खा सेखे बिर रखे लोगों के चेहरे को देख कर तू डर मत, और रबा खाता नखा सियान तुखा बर्रा खा सियान तुर्रा तुर्रबा खाता नखा सेखे बिर रखे तीन खा सियान तुरा। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन में लिखा है तू जब पकड़ा जाएगा और तेरे लिए तुझे न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, तब तू चिंता नहीं करना कि तू क्या बोलना है और क्या करना है, इसका तू कोई तैयारी नहीं करना, क्योंकि तुझे परमेश्वर का आत्मा आकर तुझ में से बात करेगा, वो बोलना शुरू करेगा, और तू उस जगह में परमेश्वर के आत्मा को बोलता हुआ पाएगा। ओ मेरे यशुआ, ओ यशुआ तेरा आत्मा अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है, अद्भुत चमत्कार करता है, जो दिखाई नहीं देता है खुदा, जो दिखाई भी नहीं देता है खुदा, अद्भुत
चमत्कार है, तेरे आत्मा में अद्भुत चमत्कार है। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि उसके ऊपर ऐसा अभिषेक है खुदा परमेश्वर कि वो चंगाई करता है, वो चमत्कार करता है, वो लोगों के टूटे हृदयों को बनाता है, वो जीवन को बनाता है, वो बिगड़ी बातों को सरल करता है, वो झुके हुओं को और नहीं झुकाता है। और परमेश्वर पिता तेरा वचन कितना महान है परमेश्वर, इसका वजह बताया यीशु मसीह ने कि उसके ऊपर वो अभिषेक आत्मा था, ओ परमेश्वर का अभिषेक आत्मा भरा हुआ था। ओ मेरे परमेश्वर, ये सब कुछ तेरा आत्मा इतना महान रीति से करता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा हुआ है परमेश्वर पिता कि तेरा आत्मा परमेश्वर तेरे शब्द को उठा उठा के सृष्टि में ला रहा था खुदा। सब कुछ जो तू कह रहा था उसे परमेश्वर सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर रहा था वो। और रबा खता ना का सिखा बर रखा था ना का सियान तू कंबर रखो सियान तरा। यीशु ने कहा कि मेरे शब्द आत्मा है जो आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। और रबा था ना का सिखे बिता ना का लाहता निके नमरा सियान तू का तू रबा खता ना का नमो होता निके ने मेरी यान तू कंबरा अबर रखता ना का ना बोता ना का नमरा का सियान तू कंबरा तिया ना। मेरे खुदा एक्ट्स के प्रेरितों के चैप्टर में लिखा है खुदा कि यीशु ने कहा शिष्यों से कि अब तुम ऊपर ऊपर रुके रहना और वो दसवें दिन को परमेश्वर का आत्मा जो प्रॉमिस किया गया है वो भेजा जाएगा। ओ मेरे यीशु आत्मा को कितना वैल्यू दिया है यीशु ने। ओ रिबा खता ना खसियान तू खंबा रखा सियान तरा। परमेश्वर उत्पत्ति के पहले अध्याय से हम लेकर रेवलेशन के आखिरी चैप्टर के आखिरी वर्सेस तक परमेश्वर हम पिता ये आत्मा के बारे में पिता पढ़ते हुए आए खुदा। ओ मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा कितना वैल्यूएबल है खुदा। ओ मेरे परमेश्वर कितना प्रेशियस है तेरा आत्मा खुदा परमेश्वर। ओ मेरे अब्बा पिता तेरा आत्मा नहीं तो जीवन नहीं है खुदा। तेरा आत्मा नहीं तो हम यीशु को पहचान नहीं सकते। तेरा आत्मा नहीं तो हम तुझसे कनेक्ट नहीं हो सकते। तेरा आत्मा नहीं तो हम तेरे बच्चे नहीं हो सकते खुदा। खुदा हम तेरी संतान नहीं कहलाए जा सकते। तेरा आत्मा कितना अद्भुत है खुदा। तेरा आत्मा जब आता है खुदा तो अचंभित के कार्य होते हैं खुदा। ओ परमेश्वर लोग मगन होके झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ओ मेरे परमेश्वर वो पिता जैसे पिता एक्ट्स में प्रेरित में कहा गया था जब परमेश्वर का आत्मा उतरा था। ओ परमेश्वर उस समय खुदा परमेश्वर ऐसे लोग झूमने लगे थे जैसे कोई पियक्कड़ जैसा झूमता है। ओ मेरे परमेश्वर जैसे नशेबाज झूमते हैं मेरे खुदा। लेकिन वो तो नशेबाज अपने दिमागी तौर से परमेश्वर अपना संतुलन खोए है और वो परमेश्वर समझ बुद्धि ज्ञान को खो दिए है इसीलिए वो झूमते हैं और परमेश्वर उनके अंदर कोई उन्नति नहीं आती है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है और हम झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं खुदा, वो नशेबाज की तरह हम डोलते हैं परमेश्वर पिता, तो मेरे खुदा एक उन्नति का मार्ग शुरू होता है। बंधन टूटने लगते, चमत्कार होने लगते हैं अब्बा परमेश्वर। भली भली बातों को परमेश्वर आजादी मिलने लगती है खुदा। वो परमेश्वर सारे प्रकार के शैतानिक कामों को तोड़ना शुरू हो जाता है मेरे यीशु मसीहा। कोई भी ऐसा अधर्म पिता, हमारे हाथों के अधर्म, पैरों के अधर्म, हमारे आंखों के अधर्म, हमारे जुबान के अधर्म, हमारे शरीर के भागों के अधर्म, हर अधर्म, हमारे लहू के अधर्म, हमारे प्राण के अधर्म, भावना के अधर्म, इच्छा के अधर्म, हमारे माइंड विल इमोशंस, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कल्पनाओं के थॉट्स के अधर्म, हर अधर्म को ऐसे पिता झंझोड़ झंझोड़ कर परमेश्वर का आत्मा उसे बाहर करने लगता है अब परमेश्वर। वो हमारी सफाई करने लगता है। रबा खता ना खा सियान तू खम्बर रा सियान तू रा तिला बा खता ना खा से खेबर रा खते ना खा नमो होती ना खा नमरा सा। मूसा को परमेश्वर तूने अग्नि का दर्शन देके अपनी तरफ आकर्षित किया था खुदा परमेश्वर, ताकि वो तू उनसे बात कर सकेगा, तू उससे बात कर सकेगा, तेरी योजना को वो पिता परमेश्वर तो उसके ऊपर प्रकट कर पाएगा। मेरे खुदा ये तेरे लिए पिता परमेश्वर ये रास्ता है खुदा। तू तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करता है खुदा, ताकि परमेश्वर तेरा आत्मा उनके साथ बात करेगा। और रबा खता ना खा सके बिर खता ना खा सियान तुरा। मेरे परमेश्वर जब मूसा ने पिता परमेश्वर बहुत दिन तक देखता रहा कि ये तो आग ऐसे जल रही है कि उसके अंदर हरियाली सी घास है लेकिन घास तो पूरी तरह से जल नहीं रही है। मेरे खुदा परमेश्वर उसको एक परमेश्वर उसके बारे में पिता चिंता लग रही थी कि ऐसा कैसा हो सकता है, जरा नजदीक जाकर देखे। मेरे यीशु मसीहा ऐसा ही तू पिता परमेश्वर समय का इंतजार देता है लोगों को खुदा परमेश्वर, उनके मन के साथ खुदा वो बात कर सके और परमेश्वर फिर वो फैसला ले सके खुदा कि हमारे तक पहुंचे वो परमेश्वर। ओ
बर्रा खताना का सियांतुरा। और परमेश्वर जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तब तेरा आत्मा बात करने लगता है अबा पिता, तेरी योजनाएं बोलने लगता है तू हालेलुया। और परमेश्वर तो तैयार करता है इंसान को पिता, तूने मूसा को तैयार किया योजना बताकर परमेश्वर, उसको चमत्कार की सामर्थ्य देकर, और फिर परमेश्वर फिरौन के पास उसको भेजकर, और आखिरी में परमेश्वर जो तूने कहा था इसराइलों को तू छुड़ा के लाएगा, तो मेरे परमेश्वर उस बात को तूने पूरा भी करके दिखाया खुदा। मेरे परमेश्वर पिता तू तेरा आत्मा से जिसको आकर्षित करता है उसे आधे अधूरे में छोड़ता नहीं है मेरे यीशुआ, उसको तू पूरी तरह से तैयार करके वो दर्शन में पूरा उतरने तक परमेश्वर तू उसके साथ बना रहता है खुदा। उसकी प्रार्थनाओं को, मूसा की प्रार्थनाओं को तो सुनता था खुदा। खुदा ऐसा लाल समुंदर के सामने चला गया था वो परमेश्वर पिता के, जहां पर उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने तेरी तरफ देखा, दुहाई लगाई और तूने रास्ता बनाया खुदा। और इसराइल परमेश्वर लाल समुंदर तो निकल गए आगे, लेकिन परमेश्वर फिरौन उसकी घमंड के द्वारा, उसकी सेनाओं की घमंड, उसके घोड़ों रथों की ताकत को देखते हुए परमेश्वर पिता उसने तुझसे परमेश्वर तुझको भुलाकर वो इसराइल को देखता हुआ पीछा करते आया, और परमेश्वर समुंदर में वो चला आया। और परमेश्वर जब पिता इसराइल लोग आगे निकल रहे थे तब तूने तेरे स्वर्ग दूत को आग का खंभा बनाया हुआ था, और वो पीछे की तरफ आया, इसराइल के पीछे की तरफ आया और फारो की तरफ मुंह करके खुदा वो अपनी आंखों को दिखाया, और फारो की सारी सेनाओं ने, फारो ने पिता ये ताड़ लिया, जान लिया कि अरे ये तो परमेश्वर यहोवा, इनके इनका परमेश्वर जो जिसके लिए वो बलिदान करने के लिए जा रहे वो हमारे साथ युद्ध करने लगा है, अब पलट जाओ यहां से। मेरे यीशु ने, मेरे परमेश्वर पिता, मेरा खुदा परमेश्वर, तेरे एंजल ने यह काम किया, तेरे स्वर्गदूत ने ऐसा परमेश्वर उनको आंखें दिखाई और उन्होंने समझ लिया कि अब तो खतरा है। और परमेश्वर वो पलटने के लिए उल्टे हो रहे थे तो परमेश्वर वहां पर ऐसा परमेश्वर तूने गड़बड़ी मचा दिया कि वो बाहर पलट कर जा भी नहीं पाए और वहां से पानी चढ़कर आ गया। मेरे परमेश्वर यह क्या असंभव है खुदा परमेश्वर तेरे लिए कि हमारे शत्रुओं को तू पिता मुकाबला करे और शत्रु पलट ना जाए। मेरे यीशु ये कैसा परमेश्वर है तू खुदा परमेश्वर कि तू ऐसे ऐसे पिता परमेश्वर ऐसे ऐसी युक्तियां करता है खुदा परमेश्वर कि पिता 100% हमारे शत्रु हमसे पलट कर चले जाते हैं खुदा। और परमेश्वर तूने फारो को इतना परमेश्वर जलील कर दिया कि वो पूरी सेना जिसके ऊपर उसका घमंड था खुदा परमेश्वर, वो सब रथों घोड़ों और वो सेनाओं की घमंड और ताकत के साथ पानी के अंदर डूब गया हमेशा के लिए खुदा परमेश्वर। यही बात को मैं मांगती हूँ खुदा परमेश्वर, आज मेरे मसीह भाई बहन, मेरे सारे लोग पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तेरी सेवा कर रहे हैं खुदा, तेरे दास और दासियां है खुदा परमेश्वर, जो मेरे लोग है खुदा परमेश्वर, जो मसीह जीवन जी रहे, जो डुबकी लगाकर पानी के अंदर डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, और मेरे परमेश्वर पिता उन्होंने पिता तेरे लिए अपना जीवन समर्पित किया है, वो पिता तेरे आत्मा के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरे परमेश्वर उनका पिता परमेश्वर पीछा करने वाला फिरौन खुदा, जिसके हाथों से वो छूट कर निकले हैं खुदा परमेश्वर, वो फिरौन उनके जीवन को तबाह करने के लिए उठा है खुदा, खुदा परमेश्वर उसके लिए पिता यही मांग रही हो खुदा परमेश्वर, उनके घर परिवार परमेश्वर पिता जो लोग पिता तूने छुड़ा छुड़ा कर लाया है खुदा, खुदा उनके घर परिवार, उनके घर परिवार, उनके सारे पिता परमेश्वर व्यवहार, जीवन के व्यवहार हर प्रकार से परमेश्वर मेरे खुदा तू तेरे जीवन के अंदर ले चुका है खुदा, अब कुछ भी परमेश्वर उनके लिए असंभव नहीं है खुदा, तू सब कुछ उनके लिए कर सकता है मेरे यीशु मसीहा। मेरे आबा परमेश्वर उनको सताने वाले शक्तियों को तू पिता परमेश्वर शर्म से झुकाने की मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ। तूने कहा है परमेश्वर यूहन्ना के पिता सुसमाचार में तूने कहा है, यीशु का वचन कहता है परमेश्वर पिता कि अगर मेरा पिता परमेश्वर से तुम लोग कुछ मांगोगे यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो वो पूरा करेगा, ताकि परमेश्वर उसकी महिमा को कर सकेगा और हमारे फसल को वो बनाए रखेगा। अब पिता मेरे मसीह भाई बहन और सारे परमेश्वर के दास दासियां खुदा परमेश्वर तेरे सम्मुख लाती हूँ खुदा, खुदा जो जॉबलेस है, जो बीमारी से पीड़ित है खुदा परमेश्वर, जो पिता अपने दर्शन को खो चुके हैं खुदा, खुदा जो परमेश्वर अपने जीवन की तबाही को देख रहे, जिनके
बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, जिनके परमेश्वर पिता घर परिवार बन नहीं रहे खुदा परमेश्वर, जिनकी शादियां नहीं हो रही है खुदा, जिनके जीवन में परमेश्वर कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है खुदा परमेश्वर, जो पॉवर्टी के लाइन से ऊपर नहीं आ रहे खुदा, जो करियर बना नहीं पा रहे खुदा परमेश्वर, ओ जीसस ओ रबा खाता नखा सिखा बर रखा था नखा सियांत खम्बर रा सियांत रा, जो बांझ है खुदा परमेश्वर, जो बांझ के दुख से पीड़ित है खुदा, और रिबा खाता नखा सिखे बर रखा था नखा सियांत रा, जो रोगों के नामों को डायबिटीज चमड़ी के रोग और परमेश्वर हड्डियों के रोग और हृदय के रोग ऐसे नामों से पिता शर्म से अब भी झुके हुए पड़े हैं खुदा, और रिखाता नखा सिखे बर रखे थे नखा सियांत खम्बर रखा सियांत खबर रा सियांत रा, ओ मेरे खुदा जो चर्चेस पिता परमेश्वर जला दिए गए, जो पास्टर्स लोगों को पिता डरा धमका के सेवकाई छुड़वा लिया है खुदा परमेश्वर, रबा खाता ना खा सिखा बर रखा था ना खा सियांत खम्बर रा सियांत रा, ओ मेरे पिता परमेश्वर उठ और तेरा तेज दिखा खुदा परमेश्वर, तेरा तेज दिखा खुदा, और रिबा खाता ना खा सिखे बिर रखे ते ना खा नमर रो खोता ना खा सियांत खबर रा सियांत रा, रदंती की आंतु खम्बर रखा सिखे बिर रखे ते ना खा नमर रो खोता ना खा सियांत करो, हालेलुया फादर गॉड, जो अपने पिता परमेश्वर जीवन के अंदर अभी भी परमेश्वर फिरौन सा पिता परमेश्वर शैतानी आत्माओं का ताकत पिता अपने जीवन को पकड़े रखे है, और परमेश्वर मेरे खुदा वो उसको जाने नहीं दे रहे खुदा परमेश्वर, वो मेरे लोगों को जाने नहीं दे रहा है खुदा मेरे परमेश्वर, आज तुझे काम करना है खुदा, आज तुझे काम करना है, अगर तेरे स्वर्ग दूत परमेश्वर मूसा को अग्नि से दर्शन देकर बात कर सकते हैं, अगर तेरे स्वर्ग दूत मरियम को आकर पिता तेरे संदेश दे सकते हैं, और परमेश्वर अगर स्वर्ग दूत दानियल की प्रार्थना का जवाब लेकर आ सकते हैं, अगर स्वर्ग दूत मेरे परमेश्वर पिता जो यीशु के कब्र के मुंह के ऊपर रखा पत्थर था उसको हटाने में कामयाब हो सकते हैं, तो मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्ग हमारे लिए क्यों कामयाब नहीं करेंगे खुदा, खुदा परमेश्वर आज ये कामयाबी का समय हो, हर दर्शन लौट कर आ जाए, हर एक आशीष लौट कर आ जाए, हर प्रकार के जीवन बदलते जाए, जो भी परमेश्वर हमारे भाई बहनों की समस्याएं आज सुलझती जाए खुदा, ओ मेरे यीशु आज परमेश्वर रोगों की चंगाई हो जाए खुदा मेरे यीशु, जिनके हाथ पैर डायबिटीज के कारण चमड़ी रोग के कारण या कोई भी पॉइजन के कारण या कोई भी प्रकार से परमेश्वर का अंग काट दिया गया है मेरे यशुआ, जैसे हाथ पैर या पिता जो काम की चीजें है वो काट दी गई है ताकि परमेश्वर उनको शर्म से झुके रहना पड़े, वो भी परमेश्वर आज बदल दे खुदा परमेश्वर, एक नया सीधा परमेश्वर उनके शरीर के अंग बनने लगे खुदा परमेश्वर मेरे यशुआ, वो सारे शर्म उनके अंदर से हटा दे खुदा, जो दर्शन छोड़कर भाग गए खुदा परमेश्वर, क्योंकि मेरे खुदा अब्राहम भी पिता परमेश्वर ऐसा किया है खुदा परमेश्वर, उसने देखा कि जहां पर परमेश्वर पिता मिस्र देश के लोगों के अंदर दुष्ट ज्यादा भारी है खुदा, और वो मुझे मार सकते हैं, मार डालेंगे, और खुदा उसके अंदर ये भय था, जबकि वो तेरे नाम से चलना शुरू किया था मेरे परमेश्वर, ऐसा ही पिता कितने सारे पिता परमेश्वर लोगों ने पिता मसीह जीवन को छोड़कर पलट गए खुदा, क्योंकि उनको वो डर था खुदा परमेश्वर कि वो अपने जीवन को खो देंगे खुदा, आज वो लौट कर आने का समय है खुदा परमेश्वर, तू अपनी भेड़ को कभी भुलाएगा नहीं परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा आत्मा आज भेज दे खुदा हर एक वो घरों के अंदर परमेश्वर, उनकी बरकत और आशीष को पिता लौट कर लाने के लिए पिता, ऐसे ताले चाबियों में पिता परमेश्वर कितने लोगों की आशीष मेरे लोगों की आशीष बंद करके रखी है और वो समुंदर में फेंक दी गई ताकि वो कभी भी उनको वो आशीष नहीं मिलेगी, आज वो परमेश्वर ताले चाबी को तोड़ती हुए यीशु के नाम से वो समुंदर के अंदर बंद पड़ी हमारी आशीष हम खोल देते आजाद कर दे हमारे लोगों के बीच में, वो आशीषों को मैं खींच कर बाहर निकालती और हर एक आशीष उनके उनके घरों में पहुंच जाए, उनके जीवन के अंदर वो आ जाए यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, रबा खता ना खसे के बिर रखता ना खसियांतु खंबर रखा सियांतु रा, कहा कहा जमीन के अंदर पानी के अंदर मटके के अंदर बर्तनों के अंदर कहीं पर भी परमेश्वर हमारे जीवन के विरोध में शैतान के आत्माओं के काम करने वालों ने जो कुछ भी बनाए रखा है यीशु के नाम से उसके ऊपर मैं आग लगा देती हूँ, पवित्र आग में वो भस्म हो जाए, भौ रखा शखे भद्र रखा सियांतु रा, भौरी खा लरा शिखे बिर रखा था ना का सियान तुर्रा ठोखा था था रा सिया था भी रखा शेखे बियान तुखा, हालेलुया ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस,
तहलका मचा दे, अंधकार की शक्तियों में तहलका मचा दे खुदा। रद्दिन द गबर रखा था ना कसी खबर रखा था ना कसी आंतु खबर रखा सी आंतु को थरा बका दा ना नमा रखा था ना कश्य के बिर की आंतु खंबर रखा सी आंतु रा। अमावस्या पूर्णिमा दिन के रात में किए गए सारे करनी यीशु के नाम से मैं जला के नाश कर देती हूँ। वहां से लेकर आए हुए दुष्ट आत्माएं जो हमारा पीछा करने के लिए लगाए गए यीशु के नाम से उनको बांधती हूँ, उखाड़ देती हूँ, हर जगह में से उनके कंटेनर्स को थोड़ देती हूँ, फोड़ देती हूँ, उखाड़ कर फेंक देती हूँ। चले जाओ, सेकेंड हेवन से आए हैं तो सेकेंड हेवन में चले जाओ, पाताल से आए तो पाताल में चले जाओ, समंदर से आए हैं तो समंदर में चले जाओ, पृथ्वी के कोई भी हिस्से में से आए, श्मशान घाट में से आए या कहीं से भी आए, निकल जाओ अपनी अपनी जगह में, यहाँ हमारे विरोध नहीं आना। यीशु के नाम से आग लगा के जला देती हूँ तुमको। राबा खताना का सिखा बर्रा का सियान तुखा तराबा खताना का शेखे बिर्री खेती ना का सियान दुर्रा। मेरे यीशु के नाम से मेरे मसीह भाई बहनों को शर्म से झुकाने के लिए जो अंधकार की ताकत है उनके घर परिवार के अंदर तबाही लेकर आई है, यीशु के नाम से तुझे मैं आग में जला देती हूँ। मेरे यीशु मसीहा तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक चढ़ा दे खुदा हर जगह में। मेरे मसीह भाई बहन सेवक सेवक दास दासियां जो पिता उनके घर परिवार उनके चर्चेस हर जगह में आज तेरा पवित्र आत्मा का जलाली अभिषेक भेज दे खुदा, आज तेरा वर्षाव कर दे खुदा। ओ मेरे यीशु, जहां कहीं उन्होंने आशा नहीं किया था कि कभी उनके जीवन इस तरह से बदल भी सकते हैं, कभी उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, वो आशीष लौटा दे खुदा, लौटा दे यीशु, लौटा दे यीशु, लौटा दे वो आशीष, दे दे खुदा। रबा खाता ना खा सिखे बिर रखा था ना खा सियांत का अदा ना का नमा रखा था ना खा सियांत खबर रखो सियांत का याद दिला दो खुदा। परमेश्वर तुझे तूने ये वायदा दिया है, तूने कहा है परमेश्वर पिता, द यंग लायन शल लैक सफर हंगर बट दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शल नॉट सफर एनी गुड थिंग। क्या ये तेरा वायदा नहीं खुदा? और रबा खाता ना खा सिखे बिर रखो ता ना खा सियांतुरा, तेरा वायदा और एक याद दिला दू खुदा। तूने कहा मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से तुझे बचाऊंगा, तूने ये वायदा दिया है खुदा परमेश्वर, ये तेरा वायदा है खुदा। और रबा खाता ना खा सियांत खबर रखा सियांत खा रियांत खबा सियांतरा, यहाँ तेरा वायदा मैं याद दिला दू खुदा। तूने कहा है परमेश्वर पिता, तू कहता है खुदा परमेश्वर, मैं तेरे संग संग रहूंगा, ओ मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। और रबा खाता ना खा सियांत खबर रखा सियांत खबर रखा सियांतरा। हालेलुया फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो लोगों के अंदर परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन है खुदा परमेश्वर, जिनके अंदर पिता परमेश्वर ये अंधेरा है खुदा कि वो तुझे देख नहीं पाए खुदा, वो अब्राहम की तरह तुझे देख नहीं पाए खुदा, उन्होंने विश्वास कर लिया कि यहाँ मिस्र देश के लोग तो काफी भारी भरकम वो पाप के अंधेरे में छिप पड़े हुए हैं, और परमेश्वर पिता वो सोचा कि अब मेरी पत्नी के कारण वो मुझे मार डालेंगे खुदा। ऐसा मेरा मसीह भाई बहन बहुत है खुदा परमेश्वर, मेरे यीशु मसीहा के लोग ऐसे बहुत है खुदा परमेश्वर, जिन्होंने वो अंधेरे के ऊपर विश्वास कर लिया। क्या तू नाराज हुआ था अब्राहम से खुदा? क्या तूने अभी मलेक से बात नहीं किया था खुदा? क्या तूने ये काम नहीं किया था खुदा? तू बात कर यीशुआ, तू बात कर मेरे खुदा परमेश्वर हमारे शत्रुओं से जिससे हम डरते हैं खुदा परमेश्वर, जो हमको पिता अंधकार में पिता विश्वास करने में मजबूर कर दिया खुदा, हमको पिता परमेश्वर तेरी ओर देखने का मौका नहीं मिला खुदा, और हमने पिता कॉम्प्रोमाइज करके खुदा अपने अंदर परमेश्वर ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया कि वो भी खुश रहे, हम भी अपनी अपनी जगह में पिता बचते हुए आगे निकल जाए। हालेलुया। उधेड़ दे खुदा, उधेड़ दे खुदा, उधेड़ दे, वो अंधकार के नीचे दबकर रहना तेरे लिए पिता वो शोभा नहीं देता है खुदा मेरे परमेश्वर, वो तेरे लिए शोभा नहीं देता है। तू अंधेरे को पिता लताड़ने को कहता है परमेश्वर पिता, उसके साथ परमेश्वर साथ सब पैरेलल होके चलने के लिए नहीं कहता है खुदा। खुदा आज तो परमेश्वर आक्रमण हो जाना है खुदा, आज वो शत्रुओं को पिता तू जवाब दे देना है खुदा, ताकि वो शत्रु समझ जाए अरे इनका परमेश्वर जिंदा है। और रबा खाता ना खा सिखे बिर रखा ना खा सियान तो खबर रखा सियान तुर्रा, तू रबा खाता ना खा सियान तो खबर रखो ना खा सिया खबर रा।
मेरे पिता परमेश्वर इसहाक के समय पिता परमेश्वर अकाल पड़ गया था, और तूने कहा कि वो अकाल के समय में भी परमेश्वर उसको बीज बोने के लिए, तूने खेती बनाने के लिए परमेश्वर कह दिया, और उसने वो काम किया, वो सफलता पाया। खुदा परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों को पिता उनके जॉब अपॉइंटमेंट्स, जहां जहां करियर प्रोफेशंस, उनके जीवन के मार्ग खुदा वो ढूंढ रहे खुदा परमेश्वर, और उनको नहीं मिलेगा परमेश्वर, वो सब जगह उनको विश्वास के साथ प्राप्त करने का सामर्थ्य आत्मा भेज दे खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर हर पास्टर्स, हर लीडर्स जो पिता परमेश्वर अपने अंदर परमेश्वर ऐसा सोच बैठे कि नहीं यहाँ पर वो संभव नहीं होगा, खुदा परमेश्वर आज उनके लिए वो परमेश्वर तेरा आत्मा भेज दे खुदा, कि जहां पर परमेश्वर वो तुझे देखेंगे और परमेश्वर इस बात को परमेश्वर समझ जाए कि यह संभव हो सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने इसहाक को अगर वो अकाल के समय में बीज बोने के लिए कह सकता है, तो हमारे लिए वो परमेश्वर काम क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, जहां पर नहीं हो सकता है वहां पर वो हो जाएगा, ये विश्वास को प्राप्त करके चलने के लिए सहायता कर पिता। और रिबा खाता ना खा सीखे बिरे खेते ना खा सियांतु और रियांतु खबर रखाता ना खा सियांतु खबर रखो सियांतरा। मैं याद दिला दू खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, क्या तुझे पूरी तरह से ऐसे तोड़ा नहीं था कि जो परमेश्वर तेरे मांस भी परमेश्वर हड्डियों से अलग कर दिए गए, इतना तुझे चाबुक मार के तेरे मुंह के ऊपर थूक के परमेश्वर यीशु मसीहा तेरे सिर के ऊपर कांटों का ताज रख के दबा के रखा और कहा तू तो यहूदियों का राजा कहलाता है, और तुझे जब क्रूस पर टांगा गया था तब परमेश्वर तेरा यीशु मसीह तेरा निंदा किया गया था, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है तो तू अपने आप को बचा ले। हालेलुया, मेरे परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों को भी ऐसा ही किया है खुदा, उनके इतने सारे व्यवहार बिगाड़ दिए गए है पिता, उनके जीवन को ऐसा तबाह करके रखा है खुदा शैतान ने कि मेरे खुदा परमेश्वर वो अपने आप को कभी भी एक सुंदर रूप में देख नहीं सकेंगे, ये उनका आशा ही उनके अंदर से टूट चुका है खुदा, कभी उनका जीवन ऐसा कुछ एक अच्छा माहौल पकड़ सकता है ये आशा ही उनके पास नहीं रही है खुदा परमेश्वर। लेकिन मैं तुझे याद दिलाऊं यीशु मसीहा, तुझे इतना परमेश्वर हलील और जलील करने के बाद भी परमेश्वर पिता यीशु मसीहा इतना करने के बाद जब परमेश्वर उन्होंने आखिरी बार देखा कि तू पूरी तरह से अपने पिता जीवन से मृत्यु हो चुकी है तेरी, और परमेश्वर पिता यीशु मसीह को उठाकर निकाल कर पिता क्रूस के ऊपर से निकाल के कब्र में रखा गया, और परमेश्वर पिता उस कब्र के ऊपर इतने हजारों लोगों के साथ पिता परमेश्वर ऐसा पत्थर लगा दिया कि कोई भी यीशु मसीह को उसके अंदर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मेरे यीशु मसीहा को इतना जबरदस्त कड़ा बंदोबस्त में रख दिया गया था कि कोई ऐसा उसके शरीर को चुरा के लेकर ना जाए और कहे कि यीशु जिंदा हो गया है। उनको इतना डर था खुदा परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता इतना जबरदस्त पहरा देने के बाद भी परमेश्वर पिता मैं याद दिला दूं खुदा परमेश्वर, मैं तुझे याद दिलाती हूँ आज, मैं तेरे से बात करती हूँ यीशु मसीहा के नाम से पिता, क्या ये तूने संभव नहीं किया खुदा कि वो यीशु मसीहा जिंदा हो गया खुदा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, वही टूटा हुआ बिगड़ा हुआ वही सब कुछ परमेश्वर, सब कुछ उसका जो परमेश्वर था ऐसा विद्रूप कर दिया गया था, वही मेरा खुदा इम्माऊस के समय परमेश्वर जो लोग जा रहे थे दो उनके बीच में वो प्रकट हो गया और उन्होंने उसको पहचाना नहीं, और जब वो उनके घर में पहुंचा तो परमेश्वर उसने रोटी को तोड़ा और वो दोनों समझ गए अरे ये तो यीशु मसीह था, क्या ये सच नहीं है परमेश्वर। क्या मेरे भाई बहनों के जीवन जो ऐसे विद्रूप कर दिए गए, व्यवहार बिगाड़ दिए गए, जीवन खराब कर दिए गए, सब कुछ परमेश्वर उनका लूट पाट हो चुका है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता क्या तू उनको नया जीवन नया सिरा नहीं दे सकेगा। ओ मेरे परमेश्वर तू दे सकता है खुदा, उनके जीवन बदल दे खुदा परमेश्वर, वो पास्टर्स लीडर्स के वो चर्चेस के सारे परमेश्वर विद्रूप अवस्था शर्मनाक अवस्था हटा के खुदा उनके आनंद और शांति का रास्ता उनके लिए दे दे खुदा, एक सुंदर सा परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर तेरी गवाही को बना दे खुदा। और रिबा खाता ना खा सेखे बिर रखे तीना खा सियांतु खबर रखा सियांतुर्रा। क्या परमेश्वर थुमा को नहीं कहा गया था कि तुम मेरे हाथ में जो छेद है उस बखला रहा सियांतुखा, जो छेद है छेद के अंदर परमेश्वर तूने थुमा को कहा कि तू उंगली रख उसके अंदर और देख ले जांच ले कि ये मैं ही हूँ जिसके हाथों में किले टोके गए थे, और थुमा ने ऐसा किया और वो विश्वास कर लिया खुदा परमेश्वर पिता, जिन्होंने देखा नहीं और पिता विश्वास कर लिया उनको तूने सबसे ज्यादा धन्य कहा है पिता परमेश्वर। आज हम लोग पिता तुझे देखे नहीं कुछ परमेश्वर
परमेश्वर पिता, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा तुझ पर विश्वास करने लगे खुदा। ये अद्भुत काम तूने हमारे जीवन में किया है और हमें धन्य कहा है खुदा। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, कि तू हमारे जीवन को बदल सकता है, तू हमारे मनों को बदल सकता है, हमारे परिवारों के अंदर परमेश्वर तेरा एक अच्छा स्थान तू पिता दोबारा एक स्थिर स्थान बना सकता है खुदा। खुदा परमेश्वर मैं तेरे लिए पिता ये सब कुछ पिता तेरे चरणों में लाके रखती हूँ। इसमें फसल ला खुदा, इसमें 100% फसल आने दे यीशु मसीहा के नाम से विनती करती हूँ अब्बा पिता। और रिबा खाता ना खा सेखे बिर रेखे ती ना खा सियान तू खा बर्रा खा सियान तू रा रद्दे ने खा लहाता ना खा सेखे बिर रेखे ती ना खा सियान तू खा। मेरे परमेश्वर तूने ये ईयोब के बारे में ये गवाही दी थी परमेश्वर पिता कि ईयोब धर्मी सीधा मनुष्य और बुराई से दूर रहने वाला ऐसा जन है, वो मेरा जन है, ऐसा तूने पिता ईयोब के बारे में कहा था। और मेरे परमेश्वर पिता ईयोब के बारे में तू ये कह सकता है यीशु मसीह के द्वारा खुदा, यही साक्षी तो हमारे बारे में कहता है खुदा। खुदा हमारे सारी बदनामियों के ऊपर परमेश्वर हम तेरी गवाही को पिता बोलते हैं। तूने कहा है हम तेरे संतान है परमेश्वर पिता, तूने कहा है हमें परमेश्वर कि तू हमें तेरे राज्य के वारिस बनाया है खुदा। खुदा तूने कहा है हम पृथ्वी के नमक है खुदा, हम परमेश्वर पृथ्वी के अधिकारी है खुदा, हमें तूने परमेश्वर चुन लिया है खुदा। तू हमारे लिए परमेश्वर धार्मिकता का झिलम यीशु मसीह के द्वारा दिया है खुदा। खुदा हमारे सारे परमेश्वर जीवन के मार्ग तूने सच्चाई से जोड़ दिए है खुदा। खुदा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास पाए है खुदा। ओ मेरे यीशु मसीह की ये गवाही है खुदा परमेश्वर कि हम धर्मी लोग है खुदा, हम पवित्र जन है खुदा। और यही परमेश्वर हमारे जीवन की सच्चाई को शैतान बिगाड़ना चाहता है, वो हमारे नामों को बदनाम करना चाहता है, वो हमारे नामों के ऊपर कलंक लगाना चाहता है, वो हमको शर्म से झुक कर चलना पड़ेगा ऐसा वो माहौल हमारे शरीर प्राण आत्मा का बनाना चाहता है। और खुदा उसने बना भी दिया है, लेकिन वो सारे गंदे चादर यीशु के नाम से उखाड़ लेती हूँ। कलंक के सारे नाम बदनाम किए हुए सारे शब्दों को यीशु के नाम से उखाड़ लेती हूँ, जला देती हूँ, नाश करती हूँ। और परमेश्वर ने बोला हुआ काम, परमेश्वर ने बोला हुआ सामर्थ्य, परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द हमारे ऊपर हम आजाद करते हैं। हमें परमेश्वर ने कहा है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा तेज आ चुका है। हालेलुया, हम परमेश्वर के तेज को पा चुके हैं और हम प्रकाशमान हैं। अंधेरा हमसे डरता है, रबा खता ना खा सेखे बिर खता ना खा सियान तु खा बर्रा सियान तु रा। हम अंधेरे की कोई भी उपमा नहीं लेंगे, हम अंधेरे के कोई भी हमारे ऊपर नाम को नहीं लेंगे, अंधेरे का कोई भी षड्यंत्र हम नहीं स्वीकारेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे हम यीशु के नाम से। हमारे पास शस्त्र है जो मांस और लहू के साथ लड़ने के लिए नहीं है, जो आत्मा के साथ, जो अंधकार के हकीम और जो गुनहगारी के सामर्थ्य जो हमारे विरोध आते हैं। और परमेश्वर पिता जो पिता दुष्ट सेना जो आकाश मंडल से हमारे विरोध आती है, और परमेश्वर पिता सारा वो स्पिरिचुअल विकेडनेस फ्रॉम हेवेनली प्लेसेस, मेरे परमेश्वर उसके प्रिंसिपालिटीज और पिता परमेश्वर उनकी प्रधानताएं, वो सबके विरोध में युद्ध करने का सामर्थ्य हथियार परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन हमारी जुबान में है। हम परमेश्वर के ढाल जो विश्वास है उसके द्वारा सारे जलते तीरों को, शैतान ने फेंके हुए सारे जलते तीरों को हम बुझा देते हैं। हमारे पास मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते हैं और हमने कमर बंद बांधा है जो परमेश्वर की सच्चाई के वचन के है, और हमारे पास उद्धार का टोप है। हालेलुया परमेश्वर, हम धार्मिकता के झिलम लेकर चले हैं और हमारे पीछे परमेश्वर का स्वर्ग दूत और शत्रुओं की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वो आग का खंबा है, और वो अपनी आंखें दिखा के हमारे पीछे आने वाले शत्रुओं को वो डरा के दौड़ा देता है, वो सत्यानाश हो जाते हैं। और रबा खाता ना खा सियान तू खबर रा सियान तू रा, हमारे आगे स्वर्ग दूत जाकर हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सरल कर चुका है। और रिखाता ना खा सियान तू खबर रोखो सियान तरा, हमारे पैरों को ठेस लगने के लिए जो लगाए गए थे पत्थर, वो पत्थरों को यीशु के नाम से हम उखाड़ देते हैं और हमारे आगे परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हैं। और रिखा तना खा सियान तुखा, द स्टेप्स ऑफ द राइटियस इज मेड बाय गॉड, परमेश्वर धर्मियों के पद बनाता है। हालेलुया, रबा खता ना खा सियान तु खबर रा सियान तु रा, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग सिया की मानिंद धैर्यवान रहेंगे। रेबे खेते ना खा सियान तु खबर रा खा सियान तु रा, परमेश्वर का वचन कहता है व्याकुल मत हो
मेरी शांति तेरे अंदर रखी हुई है। रिबा का शेके बियान तुखा बर्रा सियान तुखा हते ने खन्ना मर्रा खा सियान तुखा बर रखो सियान तुरा। परमेश्वर का वचन कहता दुष्टों का अंत तू अपनी आंखों से देखेगा। रेबे खेती न खा सियान तुखा बर्रा खा सियान तुखा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वैसे लोग हैं जो पानी के नजदीक लगाए गए हैं, जिसकी हरियाली कभी नहीं मुर जाती है और वह हमेशा अपने अपने ऋतु में फल देता है। रिबी खेतना खा सियान तुखा बर रखा सेखे बिर रखा तना खा सियान तुरा। हम हमारे जीवन में से प्रकट कर चुके हैं, करते रहेंगे। यहोवा भला है और उसमें कोई कुटिलता नहीं है। रिबी खेतना खा सियान तुखा बर रखा सेखे बिर रखा तना खा सियान तुरा। तू नाग और सिंह को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यह परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमारे अंदर हम स्वीकार लेते हैं। हमारा प्राण कच्चा करने वाली शक्तियों को हम यीशु के नाम से वचन के तलवार उठा के मारते हैं और हम परमेश्वर के धार्मिकता के झीलम में अपने प्राण की रक्षा कर लेते हैं। रबे खेती रखा सियान तु खबर रखा सियान तुरा। रेदा न खा लहाता न खा सियान तु खबर रखो शिखे बिर्रे खेती न खा सियान तुरा। जो हमें असंभव है ऐसा बोलता है, वो शक्ति को यीशु के नाम से तलवार मारते हैं और परमेश्वर के आशीष को हम दोहराते हैं, जो आशीष हमसे ये अभी के समय तक आज तक हमको छोड़ा नहीं है और आगे भी हमें कभी वो त्यागेगा नहीं। वो परमेश्वर का वायदा सारी बातों में हमको संभव करता हुआ लेकर जाएगा। हमारे मार्ग अलग है। ओ रबा खाता ना खा सिख है बिर्रा खाता ना खा सियान तुरा। हम धर्मियों का मार्ग हाईवेज कहा गया है। हम हाईवेज पर से चलने वाले परमेश्वर के संतान है। रबे खेते ना खा सियान तु खबर रखा सियान तुरा। हमें परमेश्वर ने वचन के अंदर से कहा है कि हम वो रास्ते पर है जो संकरा है, जो परमेश्वर पिता नैरो रोड ऐसा कहा गया है, और खुदा परमेश्वर उसके ऊपर से हमारे पैरों को वो चलते समय चौरस ऐसा एक मार्ग देता है जिस पर से हमारे पैर कभी भी रास्ता छोड़कर भटकेंगे नहीं। और रिखाता ना खा सिखा बर्रा खा सियान तु खा बर्रा खो सियान तरा। ओ मेरे परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया है। वो परमेश्वर का वचन हमको हर एक हमारे फुटस्टेप्स को दिखाता है। वो वचन के अंदर से हमको बताता है ये मार्ग है, इस मार्ग से चलो, और हम उस मार्ग से निकलते हैं और हम परमेश्वर के आशीष और बरकत के परिणाम देखने लगते हैं। और रिखाता ना खा सिखे बिर्रे खेते ना खा सियान तु खा बर्रा खा सियान तुरा। हम वो लोग नहीं है जो स्वाभाविक मन के ऊपर डिपेंड है, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं। और रिखाता ना खा सिखा बर्रा खा सियान तु खा बर्रा खा सियान तुरा। हमारे अंदर परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है जिसके अंदर हमेशा ही स्वर्ग आनंद और उल्लास करता है, परमेश्वर को गुणगान गाता है और परमेश्वर को हमेशा बढ़ाई 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 देता रहता है। वो पवित्र है परमेश्वर, वो हमारा धर्मी परमेश्वर है, वो हमारा उत्कृष्ट परमेश्वर है, वो सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर, पराक्रमी महापराक्रमी, वो महायोद्धा परमेश्वर है। और रिखाता ना खा सेखे बिर रखाता ना खा सियान तुरा। वो सेनाओं का परमेश्वर है। रेबेते ना खा सिया तो रो बहोता ना खा सियान तुरा। रिदान दगा शांता रखा सियान तुरा। वो शैतान को मूर्ख बनाने वाला परमेश्वर है। और रिखा नमर रखाता ना खा सियान तु खबर रखा सियान तुरा। वो शैतान के दांतों को तोड़कर उसके ही दांत उसके मुंह में घुसा कर और हमको उसके पंजे से जबड़े में से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। रबा खाता ना खा सके बिर्रे खाता ना खा सियान तु खबर रखा सियान तुरा। हमारे बिगड़े हुए सारे जीवन के सारे भागों को वो सरल करने वाला परमेश्वर है। उसने अय्यूब के इर्द गिर्द बाड़ा बांधा है और उसके सारी चीजों को बाड़ा लगाया था। और वह शैतान कह रहा है परमेश्वर को, क्या तूने उसको सब कुछ दिया है और बाड़े में रखा है, तो वो क्यों ना तेरा धन्यवाद करेगा। और रबा खता ना खा सेखे बिर रखता ना खा सियान तुखा। और परमेश्वर का ये बाड़ा है हमारे भी इर्द गिर्द, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम उसका प्रशंसा गा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा लगाया है और हमको सच में सब कुछ दे दिया है। उसने जो उसका इकलौता प्रिय पुत्र था वो भी उसने हमको दे दिया, और भली भली बातें और क्यों नहीं देगा वो। और रबा खाता ना खा सेखे बिर खाता ना खा सियान तुरा। और तब अय्यूब को परेशान करने के लिए शैतान ने चैलेंज लगाया, और वो चैलेंज जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो शैतान बोल रहा है कि देख तब परमेश्वर वो तुझे धिक्कारने लगेगा और वो तेरे बारे में उल्टा सीधा कहने लगेगा। और रबा खाता ना खा सेखे
katana kasiantu kabara kasiantura. Darebegadana kasiantu koboro kotina kasianturu. Ridana kalahatana kaseke bira katana kasiantuka. Lateneke namara katana kaseke bira katana kasiantura. Or permission tune use permission diya shaitan ko. Or permission shaitan e jake ayub ko. पिता शुरू कर दिया जो पिता उसके जीवन को बिगाड़ सकता है, ऐसा ही शैतान ने पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों को, मेरे पास्टर्स लीडर्स को और परमेश्वर पिता मेरे घर परिवार जो पिता मसीह है खुदा, ऐसे कितने सारे लोगों के जीवन को दुनिया भर में पिता तहलका मचा दिया है, क्योंकि उसको ये देखना है खुदा कि परमेश्वर का हम निंदा कर दे। ओ रब हालेलुया भौर खाला रसिया तो रबा शतेरी बिरियांतुरा द्रबगा नगासियांतु खंबर खासिया खबरासियांतुरा। ओ मेरे परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर शैतान को ऐसा ही खुला नहीं छोड़ा है, तूने परमेश्वर ऐसा ही नहीं छोड़ा है, तूने परमेश्वर हमारे जीवन को तेरे पास निकट और तेरे करीब और तेरे परमेश्वर मन मगन होने के लिए पिता परमेश्वर तूने हमको चुना है। ओ जीसस, ओ जीसस, शैतान तो हारा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों के ऊपर आक्रमण करके, तो ये देखना चाहता है कि वो लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे। ओ शट अप इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू रबा खाता ना खा सके बिर्रा खाता ना खा सिया नुरा रबा बगाता ना खा सिया खबर रखा शेखे बिर्रे खेते ना खा सिया नुरा भाव रखा लरा सिया तो रोबा सिया का हल्लो रो खाता ना खा सिया खबर रा सिया नुरा। हालेलुया फादर गॉड, मेरे परमेश्वर तेरे आत्मा को भेज दे खुदा, वो हृदय के जो परमेश्वर व्याकुल अवस्था है शैतान ने उनको व्याकुल कर दिया है ताकि वो तुझे निंदा करने लगे। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, स्वर्गदूत फैला दे खुदा, उनकी सहायता कर खुदा, उनकी मदद कर परमेश्वर, उनकी आवाज को सुन खुदा, उनको दिशाएं दिखा खुदा, उनको फुटस्टेप्स दे खुदा, वो आगे बढ़ने लगे परमेश्वर और वो तुझे कभी निंदा ना करे। हे शैतान तुहारा हुआ है, तेरा क्या, तू क्या बताएगा हमको, तू क्या बोलेगा तू हमको कि हम परमेश्वर की निंदा करें, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है और इसके लिए परमेश्वर ने उसका आत्मा हमारे अंदर दिया कि हम दोबारा उससे प्रेम करने लगे। हालेलुया, ये ना बल से ना ताकत से, ये परमेश्वर के आत्मा के बने हुए लोग हैं, ये चट्टानी तूफानी लोग हैं। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ तू चट्टान ठहरा है, हमारा मजबूत गढ़ ठहरा है। ओ जीसस, तुझे क्या निंदा करें हम, ओ तेरे नाम को क्या बदनाम करें हम, ओ तेरे नाम को कैसे शर्म से झुकाए हम। ओ तू चट्टानी तूफानी परमेश्वर का इकलौता पुत्र है खुदा, ओ सब कुछ हिला देने वाला तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तू आकाश पाताल को पिता पूरी तरह से बिगाड़ सकता है, इतनी सामर्थ तेरे अंदर है खुदा। ओ तू क्या हमको परमेश्वर पिता, ओ तू क्या हमको छोड़ेगा, तेरा वायदा सच्चा है और विश्वास योग्य है, तू कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे परमेश्वर इतनी मजबूत गढ़ तूने परमेश्वर हमको बना के तेरे अंदर ले लिया है, शैतान हारा है और वो परमेश्वर मेरे लोगों को झूठ बता के खुदा उनके मनों को हृदयों को तोड़कर उनकी आशाओं को बिगाड़ के, जबकि वो जानता है कि उनके सारे अच्छी अच्छी बातों को वो अगर खराब कर देगा वो परमेश्वर को बहकी बहकी बातें करने लगेंगे। ओ मेरे परमेश्वर अधर्म माफ कर दे, मेरे लोगों के अधर्म माफ कर दे, उनके अंदर परमेश्वर जो पिता कमजोर अवस्था हो चुकी और उन्होंने तुझे परमेश्वर निंदा कर दिया, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे खुदा। तेरा आत्मा चाहिए खुदा, तेरा आत्मा चाहिए यीशु, तेरा आत्मा चाहिए, तब परमेश्वर हम तेरी निंदा करना रोक सकते हैं खुदा। आज भर दे, तेरी आत्मा से भर दे यीशु, भर दे यीशु, भर दे यीशु, वो मेरे लोगों के अंदर तेरी आत्मा भर दे खुदा परमेश्वर, तेरे आत्मा को जला यीशु मसीह हमारे अंदर, ऐसा भड़का दे खुदा कि वो शैतान के मुंह को देख देख कर तेरी स्तुति करे खुदा, वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर वो तेरे नाम को ऊंचा करने लगे और शैतान देख कर हैरान परेशान हो जाए कि अरे यार ये लोग तो बिल्कुल भी परमेश्वर के विरोध नहीं जाते। हाँ ये बिल्कुल वही लोग है शैतान, ये वही लोग है। हालेलुया, तूने बहुत गलत जगह में अपना रास्ता ले लिया था, अब पलट जाए यहां से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू गेट आउट, मेरे लोगों के जीवन में से बाहर निकल जा, निकल यीशु के नाम से,
Raba katanaka, sekebira katanaka, siantu kabaraka, hadandaga bau shakebiriantu kambaraka siaka, hallelujah, Father God. Raba begatanaga siaka, bahotanaka siantu koboroko siantara. Dhanyavad karte hai parmeshwar, dhanyavad karte hai, kabza karle. Parmeshwar tere logon ka kabza karle, tere das dasiyon ka kabza karle, tere churches ka kabza karle, khuda. Kabza karle, yeshu kabza karle, khuda, kabza karle. Wo zuban ke paap kshama karde, khuda, jisne tere ninda कर दी, ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तो उसको ऐसे शब्द से भर खुदा कि वो शैतान को तलवार चला चला के मारना शुरू कर दे। ओ रब खतना सिखा बरखा सियांत बरखा सियांतरा रबम बरखा सियांतुरा, उनके हृदयों को ऐसा भर दे खुदा परमेश्वर, ऐसा भर दे खुदा परमेश्वर, जलाली आग और तूफान बन के शैतान के ऊपर वो टूट पड़ेंगे। ओ जीसस, वो क्या हमको शर्म से झुकाएगा। हालेलुया, मेरा खुदा परमेश्वर, उसका मुख का प्रकाश हम पर चमक रहा है। हालेलुया, हमारे मुख कभी काले नहीं पड़ेंगे। ओ जीसस, तू चमकता हुआ भोर का तारा है, हमारे मुंह को काला होना असंभव है। शैतान तेरे नखरे बंद कर अब चला जा, हमारे जीवन के बाहर निकल जा, हमारे शरीरों से बाहर निकल जा, हमारे प्राण में से बाहर निकल जा, हमारे आत्मा में से बाहर निकल जा। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में तू कोई भी तरह से, तू कोई तेरे उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा, सब कुछ तेरा सत्यानाश हो चुका है और तू हमारा पीछा करके और ज्यादा तेरे लिए विपत्तियां बढ़ा रहा है। गेट आउट In the name of Jesus, I command you. Rebe katana kasi kabar raka siyantu kabar raka siyantura. Tida bagadana gasiyantu kubur roko siya kabar siyantura. Mere Parmeshwar, jab pita Yakub, परमेश्वर पिता अपने ससुराल से पिता निकलने लगा था, अपने बीवियों बीवियों को लेकर, बच्चों को लेकर, और उसके सारे परमेश्वर पिता भेड़ बकरियों को उठा के पिता वो चलने लगा था। और मेरे यीशु मसीह, राहिल जो उसकी पत्नी थी, उसने पिता अपने पिता के कुल देवताओं को चुरा लिया था। हालेलुया, ओ मेरे यीशु मसीहा, जब याकूब का परमेश्वर यहोवा था, राहेल को वो सारी चीजों को चिराने की क्या जरूरत है। खुदा खुदा, ये एक परमेश्वर पिता, शैतान के आत्मा का एक पिता, एक पिता, एक ये एक षड्यंत्र है खुदा, कि वो श्राप पाए और वो मर जाए। और सच में पिता परमेश्वर, उसने याकूब से श्राप पाया, और वो श्राप उसके नाम के लिए नहीं था, जिसके पास वो कुल देवताएं मिलेगी उसको वो श्राप लगेगा, ये याकूब ने कहा, और वो श्राप राहेल को लग गया। हालेलुया, ओ मेरे यीशुआ, ये गलती हम लोगों ने भी की है खुदा, ये गलती हमसे भी हुई है परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, मेरा घराना, मैं और मेरा घराना तेरा सेवा करेगा, ऐसे पास्टर्स लोग तो बोल देते हैं, और उनके परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है परमेश्वर, ऐसे मसीही परिवार के लोग, एक इंसान ऐसा बोल देता है, लेकिन उसके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है जो परमेश्वर पिता शैतान के देवी देवताओं को लेके लेके घूम रहा है। ओ जीसस, रहम कर खुदा, रहम कर अब्बा, रहम कर, रहम कर, रहम कर। ओ मर जाएंगे हम लोग पिता, अगर हम परमेश्वर वो शराब को ले रहे खुदा परमेश्वर, तो हम मर जाएंगे खुदा, हम पिता नाकामयाब हो जाएंगे, हम शर्म से झुक जाएंगे यीशु, ये अंधेरा है खुदा परमेश्वर। हम परमेश्वर, याकूब को नहीं मालूम था, वो उसकी ही प्रिय पत्नी जो राहेल, उसके पास ये कुल देवताएं है, उसको नहीं मालूम था पिता। मेरे परमेश्वर, ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर, भाई बहनों को नहीं मालूम है उनके परिवार के अंदर कौन ऐसा काम कर रहा है खुदा, उनको नहीं मालूम है खुदा। लेकिन जब शैतान आता है, जब याकूब का ससुर आया था खुदा परमेश्वर, तब परमेश्वर उसने बोला था कि तुम लोग जा रहे तो जाओ, लेकिन मेरे कुल देवताओं को क्यों तुमने चुरा लिया। ओ मेरे परमेश्वर, शैतान ऐसे ही आता है, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम लोग मेरी चीजें लेके क्यों जा रहे। ओ मेरे यीशुआ, ओ मेरे यीशुआ, रहम कर खुदा, रहम कर, प्रकाश डाल दे वहां पर खुदा, हमको दिखा दे खुदा परमेश्वर, दिखा दे जो पिता ऐसा वाचा लगाए है खुदा परमेश्वर, कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेगा, और उनके घराने के अंदर कोई तो ऐसे इंसान होते हैं खुदा जो परमेश्वर को निंदा होगा, ऐसा उनके पास शैतान के काम होते हैं खुदा। आबा फादर, मर्सी फादर, प्रकाश डाल दे खुदा, प्रकाश डाल दे खुदा, उस एरिया ऑफ लाइफ पर प्रकाश दे दे। शैतान मांग रहा है, वो अपनी चीजों को मांग रहा है, तुम लोग जा रहे तो जाइए, लेकिन मेरी चीजें मुझे लौटा दो, तुम लोग मेरी चीजें लेके क्यों जा रहे हो। हालेलुया, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे अब्बा परमेश्वर, इज़राइल के पास फिरौन का कुछ भी नहीं था,
मिस्र देश का कुछ नहीं था, इसीलिए फिरौन के पास कोई कारण नहीं था उनका पीछा करने का, सिर्फ उसके घमंड उनका पीछा कर रही थी, और वो फिरौन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, ओ मेरे परमेश्वर। लेकिन अगर पिता राहेल के बारे में देखेंगे तो राहेल के पास उसके पिता के घर का कुल दैवत थे खुदा, तो वो परमेश्वर, वो उसका पिता नाश नहीं हुआ खुदा, वो खुद नाश हो गई। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, यही है शैतान हमको नाश करना चाहता है खुदा, और वो ऐसी तरकीबें देता है खुदा कि हम उसके काम को लेके जाए ताकि वो उसका हक बनाए रखे खुदा। आज मैं विनती करती हूँ खुदा, आज मैं मांगती हूँ खुदा, झटक झटक कर सब कुछ हमारे अंदर से हटा मेरे खुदा, तेरे आत्मा को भेज और हटा दे, वो सब कुछ हटा दे खुदा परमेश्वर, जो पिता हमको नाश करने के लिए खुदा हमारे अंदर रखा गया है, ताकि हम वो जो रखा गया है, जो हमने उठा लिया है, हमने चुनाव में उठा लिया है और सबसे छुपा के रखा है खुदा, कोई भी उसको देख नहीं सकेगा, इतना हमको पावरफुल कॉन्फिडेंस है खुदा परमेश्वर कि हमारे अंधेरे के वो जगह कोई नहीं देख सकेगा, वो मूर्तियों के काम कोई नहीं देख सकेगा, वो जो हम चुपके चुपके मंत्र तंत्र मारते हैं वो कोई नहीं देख पाएगा, ऐसा परमेश्वर वो लोग समझ रहे खुदा परमेश्वर। और खुदा जब वो नाश हो जाएंगे तो वो पिता हमारे लिए शर्म की बात होगी खुदा, हमारे लिए वो शर्म की बात होगी खुदा परमेश्वर, जब हम छाती ठोक ठोक कर बोलते हैं खुदा मैं और मेरा घराना परमेश्वर के लिए सेवा करेंगे। हालेलुया ओ अब्बा परमेश्वर, और हमारे ही घराने के अंदर ऐसे लोग परमेश्वर जो तुझे जानते हैं लेकिन शैतान की आत्माओं के काम कर रहे खुदा, आज परमेश्वर उनके कारण हमारे ऊपर कालिख ना आ जाए खुदा, हमारे ऊपर शर्म से झुकने का वो समय ना आ जाए खुदा, इसके लिए इसके पहले परमेश्वर तो ऐसा एक अग्नि तूफान भड़का दे तेरे आत्मा का खुदा, जहां जहां पिता मेरे घर घर आने के लोग जो तुझे जानते हैं और जिनके ऊपर से मैंने परमेश्वर वाचा लिया है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर के लिए जिएगा और उसकी सेवा करेगा, मेरे खुदा मेरे घर परिवार के अंदर से वो सारा सारा दुष्ट का काम खुदा झटक झटक कर वो हमको बिगाड़ने से पहले उसको बिगाड़ के निकाल दे खुदा परमेश्वर, निकाल दे सारे चर्चेस के अंदर से, वो निकाल दे सारे चर्च बिलीवर्स के अंदर से, निकाल दे हर एक चर्च बिलीवर्स लिविंग चर्च जो तेरी कलीसिया है मेरे खुदा, हर पास्टर्स के अंदर से, हर लीडर्स के अंदर से, उनके घर परिवारों के अंदर से ऐसा एक तूफान बहा दे खुदा, ऐसा एक तमाचा लगा दे वो शैतान की ताकतों को कि जहां कहीं पर भी उनका कॉन्फिडेंस इस तरह से लड़खड़ा कर गिर जाएगा कि दोबारा कभी वो उनके घर के अंदर रहने का इच्छा नहीं रखेगा। हालेलुया ओ मेरे परमेश्वर, कभी वो ढूंढता हुआ दोबारा आएगा नहीं, झटक झटक कर साफ कर दे हमको खुदा, साफ कर दे खुदा, साफ कर दे, उसके कारण हमको शर्म से झुकना ना पड़े खुदा, उसके कारण हमको शर्म से झुकना ना पड़े खुदा, हम विनती कर रहे तुझसे विनती करते हैं खुदा यीशु मसीहा, तुझसे मांगते हैं हमने जो वाचा लगाया है तुझसे कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये वाचा को हमें शर्म से झुकने मत दे खुदा यीशु, हमको झुकने मत दे इसके सामने परमेश्वर, हमको दृढ़ता दे खुदा, इसके सामने हमको हियाव दे परमेश्वर मेरे खुदा, हमारे अंदर के वो सारे अधर्म अक्षमाशीलता हर एक पिता रोग, हर एक परमेश्वर पिता बच्चेदानी के अंदर के सारे रोग, शरीर प्राण आत्मा के अंदर के रोग, हर प्रकार के शैतान के गढ़ पिता मजबूती तोड़ तोड़ कर हटाने के लिए पिता सामर्थ्य तूफानी आत्मा भेज दे परमेश्वर, तूफानी आत्मा भेज दे, ये सब कुछ तेरे गौरव के लिए पिता हम साक्षी देंगे, हम तुझे साक्षी देंगे कि हमने ऐसा अंधकार छुपा के रखा था और आज जब परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, हमको शर्म से झुकने से बचा लिया उसने, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे हम खुदा, हम तेरे नाम को जय जयकार देंगे, झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए हम तुझे धन्यवाद करेंगे खुदा, उपवास प्रार्थनाओं के साथ और भी अच्छी अच्छी बातों के साथ तुझे हम खुश करते जाएंगे खुदा परमेश्वर, तेरा आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो कौन ऐसा इंसान है परमेश्वर जो तेरी सेवा का आनंद नहीं उठाएगा, हालेलुया, कौन ऐसा इंसान है जो तुझे आनंदित नहीं करेगा, हालेलुया,
तेरे आत्मा को जगह बना के दे दे खुदा, तेरे आत्मा को जगह बना के दे दे यीशुआ। मैं बिनती कर रही हूँ खुदा, बिनती कर रही हूँ, तुझसे बिनती करती हूँ यीशु मसीहा। और रिबा खाता ना खा से के बिर खाता ना खा सियान तुखा, और रिबा खा ला रहा सिया खबर रखा सिया खबर रोको ते ना खा सियान तुको बर रोको ते ना खा सियान तुरा, तिरा बखाता ना खा नमर रोको ते ना खा सियान तुखा बर रखा सियान तेरा। ओ मेरे परमेश्वर, अशुद्धता अपवित्रता तुझे पसंद नहीं है खुदा। हम पूरी बाइबल में पढ़ते हैं खुदा परमेश्वर कि हम परमेश्वर पिता ऐसा देखते हैं कि तू बुराइयों को पिता पलटा जवाब देता है, लेकिन परमेश्वर अच्छाइयों को तू आशीष करता है खुदा। और तू कहता है पवित्र और भला भले काम करने वाले, बुराई से दूर रहने वाले। ओ मेरे परमेश्वर, तुझे नूहा के समय की बुराई को देखकर इतनी घिन आई थी, इतना गुस्सा आ गया था खुदा कि तूने परमेश्वर उनको पूरी तरह से बाढ़ में डुबा दिया था मेरे परमेश्वर पिता। और नूहा को तूने तेरी दृष्टि में कृपा दिलाई और उन उसके घराने के साथ उसको बचा लिया खुदा, खुदा पर मैं परिवार के साथ उसको बचा लिया पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम पर रहम किया है परमेश्वर पिता। और इसके लिए पिता हम अधर्म करना नहीं चाहते हैं खुदा। हमारे अंदर से परमेश्वर जो अशुद्धता है, जो पिता परमेश्वर हमारे अच्छी अच्छी बरकत और आशीष को खराब करती है खुदा, वो अशुद्धता को मिटाने का आत्मा दे दे खुदा। तेरा पवित्र आत्मा हमको दे कि हम पवित्र 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 जीवन में अपने जीवन को लगा दे खुदा, अपने समय को लगा दे। हम बुराइयों से दूर भागने लगे, हम परमेश्वर तेरे वचन के इतने परमेश्वर प्यासे और भूखे हो कि खुदा कि हम परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में भरते 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 मजबूती पाले और हम कभी भी पाप ना करें, बुराई ना करें, दुष्टता ना करें खुदा परमेश्वर। तेरे वचन के खिलाफ खिलाफ जाकर हम अपनी मन मर्जी के काम, अपने मन को संतुष्ट करने वाले काम ना करें खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, तूने उत्पत्ति के तीसरे छह अध्याय में तीसरे वचन में कहा है खुदा कि मनुष्य तो शारीरिक है और उसकी आयुष केवल 120 वर्ष रहेगी। और तूने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा। ओ मेरे परमेश्वर, आज मैं विनती करती हूँ, तेरा आत्मा विवाद कर चुका है खुदा। बहुत बार उसने हमसे कहा है कि ये नहीं करना है, इसके पीछे नहीं जाना है, ये बातों में अपना मन नहीं लगाना है, और फिर भी परमेश्वर हमने वही किया है जो हमको मन पसंद है खुदा परमेश्वर। हम लोगों के सामने अपना एक स्टेटस बना के रखना चाहते हैं परमेश्वर। प्रोवर्ब्स में लिखा है पिता कि राजाओं को पिता मद्यपान करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर वो मद्यपान करे तो कभी किसी के ऊपर अन्याय भी कर देंगे। वो नशे के झूमने में पिता परमेश्वर किसी के ऊपर अन्याय कर देंगे, किसी का न्याय सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां है खुदा, हमारे ऊपर प्रकाश के काम है खुदा परमेश्वर। और खुदा हम अपने मन पसंद चीजें, हमारे स्टेटस लाइफ स्टैंडर्ड्स को पिता परमेश्वर दुनिया के सामने अगर पिता चकाचौंध रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर पिता हम तेरे वचन के खिलाफ जाकर किसी के जीवन को बिगाड़ देंगे खुदा परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर हमको पूरी तरह से नलिफाई कर दो खुदा, हमको नलिफाई कर दो। हमारे मन पसंद कोई भी आशा है पिता, हम आपके सामने पिता परमेश्वर आपके वचन को तोड़कर किसी के जीवन को बिगाड़ने के लिए पिता वो एक हथियार ना बन जाए खुदा परमेश्वर। हमारे जीवन को सरल और सीधा मन दीजिए खुदा, हर कपट को हमारे अंदर से हटा दीजिए पिता, हर दुर्विचार को हमारे अंदर से हटा दीजिए परमेश्वर, हमें शुद्ध पवित्र कर दीजिए पिता। और रिबा खाता ना खा सके भी रखा, हर झूठ के वाचा हमारे शब्दों में से हटा दीजिए खुदा। हर एक परमेश्वर पिता हमारी ढिटाई जो पाप करने के लिए ढिटाई है वो परमेश्वर हमारे अंदर से मिटा दीजिए परमेश्वर। तेरे आत्मा की वर्षा से पिता हम ये सब बातों से छुटकारा पा सकते हैं। और पिता ये तेरा आत्मा हमसे कभी अलग ना हो खुदा, वो जब भी विवाद करना शुरू करे उससे पहले खुदा हम अपने हथियार नीचे रख देंगे जो पिता शारीरिक है खुदा परमेश्वर, हम कभी उसको खेदित ना करें खुदा परमेश्वर। तेरा आत्मा विवाद करने तक हम इंतजार ना करें, उससे पहले बस हम इसकी भनक भी लग जाए कि अरे परमेश्वर का आत्मा अभी हमसे विवाद करेगा, तो उससे पहले ही हम सारे वो पिता शैतान के हथियार नीचे रख देंगे और हम अपने आप को पवित्र आत्मा के पवित्र सामर्थ्य में दे देंगे। चाहे उसके लिए पिता परमेश्वर हमको कोई भी मोल चुकाना पड़े खुदा, वो परमेश्वर तो कभी भी हमको भूखा प्यासा नहीं रखेगा, तो हमारी सारी जगह में हमारे जीवन को धन्य और पवित्र बनाए रखेगा, हर तरफ से तू हमें तृप्त करता जाएगा पिता। हम कभी भी परमेश्वर शैतान के हथियार उठाकर हमारे जीवन को कुछ बनाने की कोशिश नहीं करे खुदा। खुदा परमेश्वर वो झूठा है, वो क्या हमको दे सकता है खुदा, उसके सारे मार्ग नरक के द्वार में जाते हैं खुदा परमेश्वर, वो क्या हमको चलाएगा, उसके पास
खुद ही जीवन नहीं है, वो हमको क्या जीवन की दिशाएं दिखाएगा। मेरे यीशु मसीह ऐसे सारे पिता चमकीली बातों से हमको अलग रख खुदा परमेश्वर। और रिबा खाता ना खा सके भी रखा था ना खा सियान तो खबर रहा सियान तुरा अते ना खा नंबर रोको था ना खा सियान तो खबर रखा सियान तुरा। आज परमेश्वर सारे पास्टर्स इवेंजलिस्ट प्रीचर्स टीचर्स प्रोफेट्स अपोस्टल्स मेरे यीशु आज इतने धारदार हो जाए इतने शार्पेंड हो जाए खुदा परमेश्वर कि वो तेरे कलीसिया को मजबूती देने वाले फाउंडेशन देने वाले हर एक प्रकार से परमेश्वर उनको शैतान के खिलाफ खड़ा करने वाले ऐसा परमेश्वर आज काम करने लगे खुदा मेरे परमेश्वर। आज हर पिता विश्वास करने वाला इंसान खुदा परमेश्वर तेरा बल पाए तेरा मजबूती पाए तेरा आत्मा का अभिषेक पाए वो शैतान को पिता कुचलना शुरू कर दे वो शैतान के साथ चलने वाला ना रहे वो शैतान को एक बगल में रख के और परमेश्वर परमेश्वर करने वाला ना रहे खुदा। खुदा आज शैतान का पूरा पूरा सत्यानाश करना उनके धर्म बन जाए उनका जाति बन जाए परमेश्वर पिता। और रिबा खाता ना खा सिखा बर रखा था ना खा सियान तुरा मेरे परमेश्वर हम पावरफुल बन जाए खुदा हम पावरफुल बन जाए परमेश्वर पिता। हम जहां जाए लंगड़े वहां पर पिता ऐसे ही पड़े नहीं रहेंगे अंधे गूंगे बहरे ऐसे ही पड़े नहीं रहेंगे। हम जहां भी जाए लाइलाज बीमारियों को देख के बस हम रास्ता मोड़कर चले जाने वाले ना रहे हम कोई भी इंसान को पिता परमेश्वर बिना आशीष किए निकल जाने वाले लोग नहीं रहे खुदा। ये हमारे लिए शर्म की बात है यीशुआ हम ये शर्म को लेके नहीं चलना चाहते हैं। हम तेरे आत्मा का वो आजादी चाहते हैं। हम जहां है वहां पर स्वर्ग है जहां पर हम है वहां पर स्वर्ग है। हालेलुया क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीहा है जो सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा है और वो पवित्र परमेश्वर से हमें जोड़ता है और परमेश्वर का स्वर्ग का आशीष स्वर्ग की पहचान हमारे अंदर भर दी गई है। हालेलुया परमेश्वर ओ बिरा खाता ना खा सिखा बर्रा खा सियान तुरा मेरे यीशु मसीहा आज मैं तुझसे जो भी प्रार्थना की हूँ खुदा ये सब एरिया ऑफ लाइफ जहां जहां मैंने प्रार्थना को फैलाया है तेरे परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को उसके ऊपर हम फैला देते हैं। आबा परमेश्वर इसको इतना अच्छा से फसल ला खुदा 100% और सब जगह से तुझे गौरव मिलने दे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर मैं तुझसे विनती करती हूँ तेरे आत्मा को पिता ऐसा बहा दे परमेश्वर ऐसा तूफानी बहा दे दोबारा कभी भी परमेश्वर हम तुझसे अलग नहीं होंगे। तो उमड़ता हुआ प्याला हमें बना दे हमें परमेश्वर तेरे रोटी और प्याले में परमेश्वर हमेशा हमेशा हमें परमेश्वर हर एक पल परमेश्वर तो हमें ताजगी देता रहे ताजगी देता रहे ताजगी देता रहे खुदा। खुदा हम अकेले रहे या झुंड में रहे कहीं पर भी रहे रोटी और दाखरस का पिता सहभागिता हम अपने अंदर तेरे साथ बनाए रखे खुदा परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरे वचन को हम खाते रहे खुदा हम तेरे परमेश्वर गुणगान गाते रहे हम तुझे धन्यवाद करते रहे खुदा हम तेरे आत्मा के कारण परमेश्वर आनंद और जल्लोष करते हुए पाए जाए। अब परमेश्वर यीशु के आगमन तक खुदा हमको जलाली आग में भड़काए रखना भड़काए रखना भड़काए रखना भड़काए रखना कोई भी हमें परमेश्वर बुझाने ना पाए पिता हमको इतना जलाते रहना खुदा कि हम खुद को भूल जाए और सिर्फ यीशु मसीह को याद रखे। यीशु मसीह के नाम से ये विनती प्रार्थना को मांगती हूँ सुन और कबूल कर पिता आमेन 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 आमेन। थैंक यू फादर थैंक यू जीसस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं के जवाब देने के लिए धन्यवाद करते हैं आशीष करने के लिए धन्यवाद करते हैं स्वर्गदूतों को आजाद करने के लिए हमारी सहायता के लिए उनको भेजने के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के आत्मा को तूफान बना के हमारे अंदर हर एक जगह को सरल करने के लिए सीधा करने के लिए तूने काम दे दिया तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन ने काम करना शुरू किया तुझे धन्यवाद करते हैं। अब वही हम नहीं रहे जो प्रार्थना के पहले थे अब हम वो हैं जो हमने प्रार्थना के अंदर मांगा था। परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं तेरे भलाई और विश्वास योग्यता के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। ये फसल का सारा अभिषेक का सारा महिमा गौरव परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं सुन और कबूल कर पिता आमेन आमेन आमेन।